For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं कलर्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो और साथ ही टीआरपी की रेस में होने वाले इश्क में मर जावां की, जहां आप सबको इन दिनों काफी हाई वोल्टेज ड्रामेबाजी देखने को मिल रही होगी शो में। और ऐसा ही होता है हर बार इस शो के साथ। वहीं अगर आपको बताएं कि क्या कुछ होने वाला है शो में खास, तो एक बार नजर डाल देते हैं पिछले एपिसोड की तरफ, जहां पर आपने देखा कि दीप भगा देता है आरोही को निक्कू से दूर और निक्कू को एक शख्स लेकर चला जाता है अपने साथ और आरोही चिल्लाती रह जाती है। जिसके बाद आपने देखा कि थोड़ा थोड़ा शक भी होने लग जाता है दीप को आरोही पर, लेकिन जैसे तैसे करके आरोही संभाल लेती है सिचुएशन। वहीं आपने देखा इसके बाद आरोही जाती है चवन्नी के पास, जहां पर चवन्नी को सारी बातें बताती है दीप की। वो इसके बाद आपने देखा कि डेट प्लान करके रखता है आरोही के लिए दीप, और वहीं पर जैसे ही आरोही आती है तो आरोही वो सब देखकर काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाती है। वहीं वो दीप उल्टे सीधे सवाल करता है उससे, जहां पर वो उसे बोल देता है कि वो तारा नहीं बल्कि है आरोही, क्योंकि तारा ऐसे सवाल कभी पूछते नहीं। और इसके बाद आरोही की तो होश ही उड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे फिर से सिचुएशन संभाल लेती है। इसके बाद आपने देखा कि एक के बाद एक आपको शो में ड्रामेबाजी देखने को मिलती चली गई, जहां पर विराट अलग ही बौखलाया होता है जेल में। वहीं अगर बात करें आने वाले ट्रैक में क्या होने वाला है, तो आपको बता दें कि सोर्सेस की माने तो ये जो निक्कू आया है तो ये दरअसल आरोही का भतीजा नहीं है, बल्कि है उसका डुप्लीकेट, जिसे लिया है आरोही को गुमराह करने के लिए अब दीप। ये होगा कहानी में देखना इंटरेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा। ऐसी और भी तमाम स्टोरीज के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टॉप न्यूज़ फॉर यू। टॉप न्यूज़ से रवि की रिपोर्ट। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News.